बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं अपने बारे में जो बात आपको बताना चाहता हूँ, आज से तकरीबन आए हुए हमें यहाँ पर तकरीबन 60 साल हो गए। मैं मशरकी पाकिस्तान चिटागोंग से आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद जो हालत थी हमारी यहाँ पर, वो आपको उस कहानी को मैं नहीं बता सकता हूँ। अल्लाह ने यहाँ आने के बाद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं ये बयान नहीं कर सकता हूँ। बड़ी मशक्क़त की वहाँ से, जब मशरक़ी पाकिस्तान 1971 में जब फॉल्ड हुआ, उस वक्त हम लोग जंगी कैदी थे। हमें वहाँ से कैद करके हिंदुस्तान जो है रांची शहर वहाँ ले जाकर रखा। उसके बाद वहाँ हम 2 साल 6 महीना वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। हमारे बच्चे सब मशरक़ी पाकिस्तान में थे, इसलिए कि मैं अब भी बांग्लादेश नहीं कहता हूँ कि वो मेरी सरजमीन थी। बिल्कुल। और मैं 1947 से लेकर 1971 तक हमारे बच्चे, हम वहाँ जो कुछ भी हमने वहाँ किया वो सारा छोड़कर हम लोग इस सरजमीन पाकिस्तान के लिए, जिसको हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारे अबवाब जीते भी थे और हमारे जो कुछ भी वहाँ पे जो शहीद हुए, आज मैं वो बयान करूँ तो ये तकरीबन मेरा ख्याल कि 2 रात हो जाएंगे, ये मुकम्मल नहीं होगा। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर ठीक है, अल्लाह की तरफ से ये होना था। जो कुछ भी हुआ, आज मैं वहाँ से कैद के बाद मैं जब मगरबी पाकिस्तान जब आया हूँ, यहाँ पर आने के बाद जो हालात थी, हम लोग यहाँ भी आने के बाद 2 साल 3 महीना हम लोग मेडिकल कॉलेज वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे हमारे बच्चों। और हमारी फैमिली जो है, हम तो कैद में हो गए थे, हमारी फैमिली जो थी वहीं थी। जब हम कैद में थे उसके बाद वो हमारी फैमिली यहाँ आई। उसके बाद जो ज़िंदगी हम लोगों ने गुजारा है, मैं वो बयान करूँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत दर्दनाक बात है। जी जी बिल्कुल, ये मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे था। हाँ, और संताहाट में था। हाँ, और जो आपने, जब आपने संताहाट की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो सरजमीन से पूछे कचल नदी के बारे में। सही, वो जगह जिसको वो पानी सफ़ेद होती थी मगर वो खून की पानी हो गई, लाल हो गया, लाल हो गया खून से। ये उन शहीदों की, बिल्कुल, मैं आज जितना भी शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक, मैं आज जो हम यहाँ बैठे हैं ये उनकी काबिश थी जिन्होंने कुर्बानी दी और आज हम यहाँ पर इस जमीन पर बैठे हुए हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान जी से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि जो आज भी जनवा कैंप में जो फंसे हुए हैं, बिल्कुल, ये उनको मेरी मुंदबाना गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ से, कि आप उनको, वल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान के खातिर अपने वतन को कायम रखा और अब तक वो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर लहरा कर रखे हुए हैं, कि क्या उनकी कसूर थी कि जिनका 3 जनरेशन जो है वहाँ पर जवान हो चुका, आज वो पाकिस्तान के लिए अब भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ले जाया जाए, मगर उन्होंने अब तक उनको नहीं लाया गया। और यहाँ पर 35 लाख अफगानियों को लाकर यहाँ पर रखा गया, उनका क्या कसूर था? बिल्कुल, उनका क्या कसूर था? और उन्हें वीजा भी दे रहे हैं और उन्हें पासपोर्ट बना के दे रहे हैं और हमारे लोगों को शरारती कार्ड भी बना के नहीं दे रहे। हाँ, ये, और उनका जो बना हुआ है उनको भी कैंसिल कर रहे हैं। पहले भी हमारी 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी बिहारियों को मुतल्लिक, मैंने अपने कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा भी रखा था कि उनको, वल्लाह जो फंसे हुए हैं जी मशरक़ी पाकिस्तान में,
उनको बराह करम उनका भी हक बनता है जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए अपने जान का नजराना पेश किया है उनको लाया जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ, मुंदबाना गुजारिश करता हूँ उनको वहाँ से फिर फोर उनको लाया जाए और यहाँ पर लाकर और अपने पैर पे ये खड़े हो जाते हैं। सही बात है, कभी हाथ नहीं फैलाया इन्होंने। सही बात, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि उनको वल्ला वहाँ जो फंसे हुए हैं जो भी हमारे बिहारी भाई हैं उनको लाया जाए और यहाँ लाकर उनको बसाया जाए। वाखर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा हाजी साहब, ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी है जी। और सब लोगों की कहानी है जो वहाँ मशरकी पाकिस्तान में जो हमारे बिहारी भाई जिनको आम में कहते हैं जी, और स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जिनको हम महसूरे ने पाकिस्तानी कहते हैं, तो वो बेसिकली उनमें ज़्यादातर बिहार से चुके हैं, नज़दीक था तो बिहार से वो बंगाल से वहाँ चले गए थे ईस्ट पाकिस्तान। हम तो गए थे ईस्ट पाकिस्तान ही में ना, हम तो किसी दूसरे देश में नहीं गए थे, बांग्लादेश में गए थे, नहीं गए थे बांग्लादेश तो बाद में बना, हमारा तो हक पाकिस्तान का है। तो हमें पाकिस्तान में क्यों इतनी तकलीफ दी जा रही, हमें ये गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारे उन भाई जो फंसे हुए हैं वहाँ पर लेकर आए। हमने ईपीसीए वालों ने आपने सर्विस की है, जवानी अपनी अपने वहाँ दी, फौज के साथ शाना बशाना लड़े, तो उसका भी आप लोगों भी कितनी तकलीफ हुई, मगर शुक्र है आप अपने वतन आ गए। वो उनको लाना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही। अच्छा तो आप चिटागांव में कहाँ पे थे? मैं चिटागांव पहाड़तली सगुन बगान है। हाँ बिल्कुल, जो वार्लेस कॉलोनी से ज़्यादा मशहूर है। जी जी मैं जानता हूँ, मेरी रिहाइश वहाँ थी, मैं रेलवे में नौकरी भी करता। अच्छा आप रेलवे में नौकरी करते? उसके बाद जब वतन पाकिस्तान के मुतालिक जब टिक्का खान वहाँ गए, जब इन्होंने चार्ज लिया तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आ सकता है। सही बात, जिसमें हमारे जितने भी छोटे बच्चे थे 16 साल के, 15 साल के, 14 साल, तमाम 12 साल तक, हाँ 12 साल के, वो तमाम के तमाम वतन पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया। जो आज आप भी अभी भी आप देखेंगे तो वो बच्चे जिनका राइफल भी अभी उठाने का लायक नहीं थे, मगर जज्बा था पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन्होंने अपनी जान की नजराना भी पेश किया और उन्होंने पाकिस्तान के खातिर उन्होंने कुर्बानियां भी दीं। और यही था कि जज्बा है पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो फिर आप रेलवे, आपके वालिद साहब यहाँ आए थे या वहीं? नहीं, मेरे वालिद साहब वहीं इंतकाल कर गए थे। अच्छा जी, तो हंगामों में वो उससे पहले इंतकाल कर गए थे? नहीं, हमारे वो तो पहले इंडिया में फौत हो गए थे। अच्छा अच्छा, अच्छा हम लोग आ गए थे, हमारे बड़े भाई थे वहाँ। अच्छा, तो ये सारे आ गए थे, हमारे जितने भी रिलेटिव थे, जो फूफा थे फूफी थे हमारे, वो ये तमाम संताहाट एक जगह है। जी जी, संताहाट में मैं खुद रहा हूं। हाँ, संताहाट में उन्होंने उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया। तो ये अब ये काफी मैं आपको बताऊं कि ये चिटागांव भी है, कॉक्स बाजार है, जहाँ पर कुछ हमारी आबादी थी हमारी जो बिहारियों की, वो यहाँ पर कॉक्स बाजार जो है, यहाँ पर आप जो कागज जो पाकिस्तान से पेपर मिल जो था वहाँ जो है, वहाँ पर वहाँ जो भी हमारे बिहारी थे उनको अपने जान का नजराना पेश किया गया। अल्लाह ताला उनको मगफरत फरमाए, हमारी यही दुआ है। और मैं बार बार ये मैं अपने हमारी एक इंटरव्यू इससे पहले भी हमारी चल रही है। अच्छा, जो तकरीबन मैंने पौन घंटे की तकरीर मैंने की है और इसलिए की है कि वल्लाह जो वहाँ फंसे हुए हैं मशरक़ी पाकिस्तान में, उनको फिर फोर मैं अभी भी जनाब मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ से भी मेरी गुजारिश है, अभी आप मौजूदा आप वज़ीर आज़म हैं, आप कम से कम उनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश करें ताकि उनका भी हक बनता है। क्या है जब 35 लाख अफगानी यहाँ आ सकते हैं, आप उनको तमाम जितने मुराद हैं सब आप देना तो तैयार हैं, तो वो क्या कसूर किए हुए हैं जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और अब भी वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं? तो ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी हो रही है। लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से फिर भी अपील कर रहा हूँ कि उनको फिर फोर जो है यहाँ लाया जाए। बेशक अब मैं आपकी अपील में शामिल होता हूँ और मैं भी अपील करता हूँ तमाम अहदेदारान पाकिस्तान से, जो जिम्मेदारान पाकिस्तान है,
और ख़ास तौर पे जो आजकल वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, तो वो हमारे महसूर ने पाकिस्तान जो हैं जिनको उर्फ़ आम में बिहारी कहा जाता है उनको फिलफौर वापस लाए। जज़ाकअल्लाह खैरन हाजी साहब, इंशाअल्लाह आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार इसको सुन लें और उसके बाद फिर ये कि इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैरन, अल्लाह हाफ़िज़।